मालूम है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में देख लीजिए, लिंक दिया गया है जो फी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एडेड का सभी का ब्रीफ में डिस्कस किया है, आप देख सकते हो। नवजोत कौर गिल कमेंटेड, सर मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन साइंस मैथ है और मैंने बीएससी नॉन मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एमएससी मैथ्स की है सर, मैं टीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल हूँ। ये देखिए बड़ा कर लेते हैं इसको, टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ या फिर टीजीटी के लिए, अगर आप साइंस और मैथ लेते हैं, साइंस भी टीजीटी है, मैथ जो है टीजीटी भी है और पीजीटी भी है, अगर आपकी एमएससी मैथमेटिक्स है प्लस। सर मैंने बीएससी मेडिकल एमएससी बॉटनी की हुई है, ठीक है, मेरे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहे? मेडिकल में आपने बायो पढ़ी है, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री यही पढ़ा होगा ना, बॉटनी की आपने की है तो बॉटनी आपकी लाइफ साइंस की तरफ बायो की तरफ जा रही है, आपके लिए इनकी जगह पर आपको मिल जाएगा साइंस, आप साइंस को चूज कीजिए, सॉरी साइंस को, यहाँ पर हो गया साइंस, और साथ में क्योंकि आपने बॉटनी की हुई है सर आप लाइफ साइंस लीजिए, लाइफ साइंस ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ ये आपने लिखा है सेकंड, ये वाला आपका बेस्ट है, इंग्लिश नहीं आपका बना, इंग्लिश को रत्ती प्रेफर मत कीजिए, तभी कीजिए आप दीवाने हो इंग्लिश के, आप टीच करना चाहते हो कि फिर आप टीजीटी के लिए होना चाहते हो एलिजिबल, और फिर आपको देना पड़ेगा बीए का इलेक्टिव इंग्लिश का एडिशनल देना पड़ेगा, तो आपके लिए ये बेस्ट है। दूसरा आपका साइंस, वैसे ये बेस्ट है, साइंस और फिजिकल साइंस नहीं बनता आपका, बनता है लेकिन फिजिकल साइंस की आपकी वो नहीं है, बॉटनी की एमएससी है 100% फर्स्ट ट्रैक, यही रखिए, कोई चेंज मत कीजिए, कॉलेज बदल लीजिए, ये रैंक इसको मत चेंज कीजिए। सर कॉमर्स के लिए बढ़िया या कोई वीडियो बनाओ, मैंने बनाया था, हाय रब्बा इतनी रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है मैं तो पहले ही लगा हुआ हूँ पागलों की तरह, तो आप कॉमर्स के लिए एक बना हुआ है लिंक यहाँ भेज देता हूँ आपको, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन है, मुस्कान जी पूछ रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपका लैंग्वेज के साथ बनता है एग्रीकल्चर पंजाबी, एग्रीकल्चर एंड इंग्लिश, ये दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपके, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, जैसे आप जिसके टीचर बनना चाहते हो इंग्लिश या पंजाबी में से ये प्रेफर करना है। अगर आपने एग्रीकल्चर में हिंदी वगैरह भी एक साल पढ़ी है, एक साल, तो आप एग्रीकल्चर के साथ हिंदी भी ले सकते हैं, नॉर्मली बीएससी एग्रीकल्चर के साथ पंजाबी इंग्लिश हिंदी, मतलब एग्रीकल्चर एंड लैंग्वेज ही सब्जेक्ट बन रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये बता दूं, अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, ओके, तो आप फिर टी पेडागोजी ऑफ साइंस ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, फिर साइंस के साथ आप पंजाबी, साइंस के साथ आप इंग्लिश, और साइंस के साथ अगर एक साल पढ़ी है हिंदी तो ले सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपका ये बनेगा अगर एमएससी की है, अगर बीएससी है तो ये। नेक्स्ट है सर प्लीज टेल मैथ फिजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस मैथ, दोनों ऑप्शन मेंशन है इन फॉर्म, इस विच मेजर माइनर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर लिखा है, मुझे बात नहीं समझ आई, मैथ्स फिजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस दोनों ऑप्शन मेंशन है, हाँ ठीक है, इन द फॉर्म विच इज मेजर और माइनर, देखिए जैसे आपने फिजिकल साइंस भी पढ़ी हुई है और मैथ्स भी तीन साल पढ़ा हुआ है, ये बात कर रहा हूं तीन साल, थ्री इयर्स, ठीक है, थ्री इयर्स अगर मैथ पढ़ा हुआ है तो आप सिर्फ मैथ को लिखोगे, मैथ से ऑप्शन लोगे, यहां यूनिवर्सिटी आ गई है ना ऑप्शन में, यहां कॉलेज आ गया, ओके ये ऑप्शन आ गया आपने, अगर सेम कॉलेज में फिर आप फिल करना चाहते हो यूनिवर्सिटी सेम कॉलेज और यहां फिजिकल साइंस जो आप लेना चाहते हो, यहां पर आपका मेजर मैथ्स है पहले ऑप्शन में और यहां पर मेजर आपका फिजिकल साइंस है, तो आपने ये देख लेना है, यहां मैंने कॉलेज में मैथ फिल किया है कि क्या वहां अगर आप फिजिकल साइंस लेना चाहते हो तो क्या वहां फिजिकल साइंस अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है वो माइनर में आपको मिल गया, माइनर में मिलने के बाद अगर आपने फिजिकल साइंस आपको पता है ग्रेजुएशन में तीन साल पढ़ी हुई है तो फिर वहां
मैथ और फिजिकल साइंस मेजर और माइनर के गैप खत्म हो जाते हैं, दोनों ही लगभग मेजर हो जाते हैं, लगभग नहीं फुली मेजर हो जाते हैं, बस आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप फिजिकल साइंस में आपको सीट मिली है मेजर में, तो वहां उस कॉलेज में मैथ अवेलेबल था और आपने मैथ ऑप्ट कर लिया, तो आपने ग्रेजुएशन में मैथ में 3 साल पढ़ा हुआ है, तो इस सिचुएशन में भी आपका फिजिकल साइंस और मैथ दोनों ही आपके मेजर एक तरह से हो गए। तो ये मेजर और माइनर अभी है, जॉब के वक्त नहीं है कुछ भी, जॉब के वक्त आपका सही देखा जाएगा, आपने 3 साल पढ़े हुए हैं, एज इलेक्टिव पढ़े हुए हैं।